राम दुलार गोड़ जो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए थे, उसे आज एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश महोदय के द्वारा 25 वर्ष का कठिन कारावास यानी सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए अर्थदंड लगाया गया है, जो यह 10 लाख रुपए पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। राम दुलार गोड़ ने 4 नवंबर 2014 को अपने गांव के एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके लिए 9 सालों तक लगातार मुकदमे चले न्यायालय में, 300 से अधिक तारीखें चली। इसके बाद अंतोगत्वा आज न्यायालय से फैसला आया हुआ है। इस फैसले से पीड़ित के जो भाई हैं और पीड़ित का जो परिवार है पूर्णतया संतुष्ट है। जब से मुकदमा आपने दर्ज कराया और अब तक सजा होने तक कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? हमको बहुत दिक्कत करना पड़ा, बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा से ज्यादा। किस तरह से परेशान कर रहे थे? बोल रहा था सुलह कर लो, नहीं जान से मारते हैं, बहुत धमकी दे रहा।